हेलो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। कैसे हैं दोस्तों? आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो। ये क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो खाने में एकदम फुली क्रिस्पी होता है और एकदम स्वीट और स्पाइसी होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। वीडियो पे बने रहना, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम होटल में क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पोटैटो इस तरीके से काट लिया है। काटने के बाद इसमें सॉल्ट एंड पेपर लगा के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें सिर्फ डालेंगे कॉर्न स्टार्च। इसमें मैदा उदा कुछ डालने की जरूरत नहीं। कॉर्न स्टार्च डालने से दोस्तों क्या होगा कि अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्पी कर देगा ये। थोड़ा सा यहाँ पे पानी भी छिड़क देते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम डीप फ्राई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम डीप फ्राई करते हैं। ऑयल को हल्का सा हीट होने देते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमने पोटैटो जो अच्छी तरीके से जो हमने मिक्स किया है कॉर्न स्टार्च डाल के, इसको क्या करेंगे हम डाल देंगे। कॉर्न स्टार्च डालने के बाद दोस्तों क्या होता है कि एकदम अच्छी तरीके से ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कॉर्नफ्लावर और मैदा इसमें डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉर्नफ्लावर डालने से एकदम फुली क्रिस्पी हो जाएगा। तो एकदम स्लो फ्लेम में इसको हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना है, क्योंकि एकदम स्लो से फ्राई होगा तो और भी हमारा पोटैटो एकदम क्रिस्पी होगा और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमारा यहाँ पे क्रिस्पी चिली पोटैटो के लिए पोटैटो हमारा रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम सॉस बनाएंगे। आप क्रिस्पीनेस देख सकते हैं, क्रिस्पी एकदम फुली क्रिस्पी हो चुका है। एकदम मीडियम फ्लेम में हमने यहाँ पे फ्राई किया था और हमारा पोटैटो एकदम फुली क्रिस्पी हो चुका है। तो अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और क्या करेंगे, इसके लिए सॉस रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चाइनीज़ वॉक ले लिया, इसमें हम डाल दिए हैं ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप डालेंगे गार्लिक एंड जिंजर। गार्लिक और जिंजर डाल के इसको थोड़ा सा हम हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली। और इसमें डाल देंगे हम कैप्सिकम और अनियंस डाल देंगे ऐसे कटे हुए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। तो ये भी हमारा सौते हो चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉस। हमने यहाँ पे चिली, ड्राई चिली थोड़ा सा डाला, एक दो पीस ड्राई चिली भी डालना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पे ड्राई चिली भी एक दो पीस डाल दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस लिया है। हम लोग यहाँ पे रेड चिली सॉस से बनाते हैं, बट आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन चिली सॉस से हम क्रिस्पी चिली पराठो कैसे बनाएंगे। और हमने यहाँ पे दो चम्मच टोमेटो सॉस लिया है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, हल्का सा इसमें सोया सॉस भी ऐड करेंगे। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, चिल्ली गार्लिक सॉस भी थोड़ा सा डाल लेते हैं। चिल्ली गार्लिक सॉस भी डालना जरूरी है। हम लोग पूरा के पूरे रेड चिली सॉस से बनाते हैं, ग्रीन चिली सॉस से नहीं। आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ग्रीन चिली सॉस से हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने विनेगर भी ऐड किया है और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ऑयस्टर सॉस। इसको हम अच्छी तरीके से सॉस को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम सीजनिंग करेंगे। अब सीजनिंग करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे सॉल्ट और डालेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम एरोमेट पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम शुगर भी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के लिए फाइनली हमारा ये सॉस रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमारा जो क्रिस्पी चिली पोटैटो के लिए जो हमने पोटैटो फ्राई किया था, अब इसमें डाल के अच्छी तरीके से टॉस कर लेंगे। तो ये एक चाइनीज़ का बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा डिश है दोस्तों। इसका नाम है क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो। कभी भी आप अपने घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ होटल में खाने के लिए जाते होंगे तो कभी भी आप अपने घर में भी इस आसान रेसिपी को भी आप ट्राई कर सकते हैं और अपने घर में भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं।
थोड़ा सा इसमें गार्निश करने के लिए व्हाइट सेसमी डाल देंगे। व्हाइट सेसमी थोड़ा गार्निश के लिए थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा व्हाइट सेसमी थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और ये हमारा फाइनली क्रिस्पी चिली पोटैटो रेडी हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप होटल वाले हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना दोस्तों। आप लोग को पता ही होगा कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ और कितना मेहनत से वीडियो आप लोग तक पहुँचाता हूँ, तो प्लीज़ दिल से सपोर्ट करना और एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और अगर हमारे कलकत्ता का फेमस बिरयानी वाले वीडियो को नहीं देखें और वेजिटेबल मोमो का बिरयानी नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए